भाई ये है नॉइज़ VS 103, ये है नॉइज़ कलरफिट प्रो 3 असिस्ट। भाई मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइज़ टेक, वेलकम टू द रिव्यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डब्बा खोल एक्सपीरियंस, अनबॉक्सिंग, अनबॉक्स कंटेंट। VS 103 की बात करें तो डब्बे पे आपको बज की फोटो दिख जाएगी, नॉइस ब्रांडिंग दी जाएगी, पीछे कुछ की हाइलाइट्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बॉक्स खोलोगे तो अंदर आपको एक सेटअप कार्ड मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, मैनुअल मिलेगी, आपके बड्स मिल जाएंगे, टाइप सी केबल मिलेगी एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलती है। उसी जगह पे अगर हम इस वॉच की बात करें तो ऊपर आपको कलरफिट प्रो 3 असिस्ट दिखती है, नॉइस की ब्रांडिंग दिखती है, पीछे कुछ की हाइलाइट्स है, 1.55 इंच का डिस्प्ले है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है, हार्ट मॉनिटरिंग है, SPO2 सेंसर है, 5-7 डेज बैटरी लाइफ है, वर्कआउट मोड्स, बहुत सारी चीजें पीछे की हाइलाइट्स में देखने को मिलती है। डब्बे के अंदर इसके आपको मैनुअल मिलेगी, वारंटी कार्ड मिलेगा, एक पोगो पिन का चार्जर केबल देखने को मिल जाता है। अब स्टार्ट करते हैं डिजाइन से। VS 103 पूरा मैट फिनिश देखने को मिलता है, मेरे पास ब्लैक कलर है, ऊपर नॉइस का ब्रांडिंग है, उसके नीचे आपको LED देखने को मिल जाती है, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। भाई केस काफ़ी अलग दिखता है, थोड़ा सा मुझे स्टाइलिश लगा, सामने से अच्छा दिखता है। उसके बाद यहाँ पे साइड में ना रेलिंग्स पे इंडेंट्स दिए गए, आपका मस्त हैंडी बन जाता है, ऐसे आप उंगली से आराम से पकड़ सकते हो। डेफिनेटली कॉम्पैक्ट है, आप आराम से इसे कैरी कर सकते हो, डिज़ाइन के मामले में मुझे इश्यूज़ नहीं है। लिड की बात करूँ तो मैग्नेट काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसे कोई इशू नहीं हुआ, गलती वलती से खुलता भी नहीं है, सो ऐसे कोई इशू नहीं लगा मुझे। बड्स की बात कर लेते हैं, बड्स आपको लॉन्ग स्टेम डिज़ाइन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे नॉइस का ब्रांडिंग दिया गया है, टच एरिया पे पूरा मैट फिनिश है, सिर्फ टच एरिया ग्लॉसी है, यानी अंदर का पार्ट जो आपके कानों में जाता है वो टिप्स का पार्ट ग्लॉसी है। फुल इन ईयर डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, माइक्स नीचे देखने को मिलता है, चार्जिंग पिन्स मिल जाती है। डिज़ाइन वाइज ना ही केस से ना ही बड्स से मुझे कोई इशू हुए है। अब बात कर लेते हैं कलरफिट प्रो 3 असिस्ट का डिज़ाइन। भाई कुछ महीने पहले कलरफिट प्रो 3 आई थी, ये एग्जैक्टली सिमिलर दिखती है कलरफिट प्रो 3 असिस्ट से। फ़र्क इतना है कि पुरानी वाली में माइक नहीं था, नई वाली में माइक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अलेक्सा सपोर्ट दिया गया है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे वो आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिल जाती है, यहाँ पे बटन मिलता है जिसपे आपको रेड कलर का एक्सेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑफकोर्स प्लास्टिक बिल्ड है, पर दिखने में मुझे कोई इतना इशू नहीं लगा। पीछे आपको सारे ही डेडिकेटेड सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। 22mm का स्ट्रैप आप लगा सकते हो, और आराम से अपना कोई अच्छा स्ट्रैप लग रहा है आपको, दूसरा जो आपके पास होगा उसे आप रिप्लेस भी कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन मुझे कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अब बात करते हैं डिस्प्ले एंड वॉच फेसेस। भाई यहाँ पे आपको 1.55 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 320x360 बहुत हाई हो गया है। जनरली आपको बजट वॉचेस में 240x280 देखने को मिलता है, जो ज़्यादा रेजोल्यूशन है यहाँ पे शार्पनेस में दिख कर आता है। डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आया है, टच काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, ऐसे कोई इशू नहीं हुआ। हाँ, नीचे आपको थोड़े बेजल्स देखने को मिल जाएंगे, ऊपर इतने ज़्यादा नहीं है। नॉइस थोड़े से यहाँ पे नीचे बेजल्स कम कर देता तो ये वॉच और दिखने में अच्छी दिखती थी। डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करूँ तो 500 निट्स की यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। भाई आराम से आप सन में देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्श सनलाइट है, थोड़ा सा आपको शेड लेना पड़ेगा, नहीं तो आप सन में भी इसे यूज़ कर सकते हो। रेस 2x का फीचर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ऑटो ब्राइटनेस की सेटिंग तक देखने को मिलती है, ब्राइटनेस के 3 लेवल्स मिल जाते हैं, आप 3 लेवल ऑफ ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। वॉच फेसेस की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेसेस वॉच के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, एंड नॉइस फिट का असिस्ट ऐप डाउनलोड किया और सारे वॉच फेसेस मिलेंगे विद कस्टमाइजेबल ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे। वॉच फेसेस की यहाँ पे कमी नहीं है, काफ़ी सारे और अच्छे दिखते हुए वॉच फेसेस देखने को मिले हैं मुझे। भाई वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 पहुँचने में हेल्प करो। अब बात करते हैं कनेक्शंस। भाई ये बर्ड्स है ना, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं मतलब ऐसे रखे रहना, कनेक्ट नहीं होंगे, ऐसे खोलना है और कनेक्ट हो जाएंगे 2-3 सेकंड में। हाइपरसिंक टेक्नोलॉजी दी गई है ब्लूटूथ 5.0 के साथ, मतलब बर्ड्स जितनी देर में आप खोल के पहनोगे ना, उससे पहले तो ये आपके फ़ोन से पैर हो जाएंगे, इतना ज़्यादा अच्छा सीमलेस प्रोसेस है और भाई बहुत फास्ट है। उसके बाद 9-10 सेकंड का रेंज आराम से कवर कर सकते हो, मतलब आप अपने घर में पहन के बाजू वाले घर में जाओगे तो हो जाएगा कनेक्ट, ज़्यादा दूर जाओगे बिल्डिंग से उतर जाओगे तो डिसकनेक्ट हो जाएंगे, बट 9-10 मीटर के रेंज में आपको इशू नहीं आना चाहिए। अब बात कर ली जाए परफॉर्मेंस बर्ड्स में साउंड क्वालिटी एंड वॉच के अंदर सेंसर्स का एक्यूरेसी। बर्ड्स की पहले बात कर लेते हैं, 10mm का यहाँ पे आपको ड्राइवर देखने को मिलता है, जहाँ से काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी। नॉइज ने अब तक जितने भी VS सीरीज़ निकाले हैं उसमें से बेस्ट साउंड क्वालिटी मुझे इसमें लगा है।
यहाँ पे आपको अच्छा बेस देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं, बैलेंस्ड नहीं, बैलेंस से ज्यादा अच्छा खासा साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। होटल कैलिफोर्निया जैसा गाना सुनो, आपको बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन तक देखने को मिलेगा। डेफिनेटली साउंड क्वालिटी में मुझे कंप्लेंट्स तो नहीं है, बट बेस थोड़ा सा कम है। मतलब अगर हाई से कंपेयर करूँ तो हाँ थोड़ा सा कम है, यहाँ पे थोड़ा और बेस रहता था तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता था। इस वॉच के सेंसर्स की बात की जाए, सबसे पहले हार्ट रेट सेंसर, मैंने इसे एक एप्पल वॉच से कंपेयर किया एंड डिफरेंस हार्डली एक आ दो का था, इतना ज़्यादा क्लोज था। डेफिनेटली सेंसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन, अगेन एप्पल वॉच से ही कंपेयर किया, 9900 का भाई ब्लड ऑक्सीजन रहता है अपना, 94-95 नहीं रहता है, 100 रहता है एकदम। और भाई वो दोनों ही वॉच अच्छे से बता रही थी, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स, 98-99-100 के बीच में ही दोनों वॉचेस फ्लक्चुएट हो रही थी, डेफिनेटली बहुत क्लोज रिजल्ट्स थे। उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रेस लेवल भी देखने को मिल जाता है, भाई आपकी जिंदगी में जितने टेंशन है ना ये वॉच आपको बता देगी। स्लीप ट्रैकिंग की बात करूँ तो भाई ये वॉच फट्टे एक्यूरेट है, मतलब मैंने 7.5 घंटे की नींद ली और ऑलमोस्ट वैसे ही रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिले। 6 बजे के आसपास सुबह मैं उठा था, वो तक मुझे यहाँ पे देखने को मिला, इतना ज़्यादा एक्यूरेट है। उसके बाद भाई नॉइज़ ने यहाँ पे REM दिया है, रैपिड आई मूवमेंट, तो बेसिकली आपका स्लीप ट्रैकिंग और ज़्यादा सुधार देता है। मतलब डीप स्लीप कितना, लाइट स्लीप, REM स्लीप, अवेक कितना थे, बेड टाइम, वेक टाइम, सब कुछ यहाँ पे इस वॉच पे आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली स्लीप ट्रैकिंग में ये वॉच ज़बरदस्त है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इससे। डेडिकेटेड सेंसर्स दिएगा भी, हार्ट रेट, SpO2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वॉच का। अगर मैं बाकी के मेन्यू की बात करूँ तो ऊपर से नीचे स्वाइप किया तो आपको आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, नीचे से ऊपर करोगे छोटा सा कंट्रोल सेंटर खुलेगा जहाँ बेसिकली रिस्ट डिटेक्शन है, ब्राइटनेस कंट्रोल्स है, फाइंड माई फोन है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। राइट पे गए तो स्टेप्स दिखेंगे, उसके बाद हार्ट रेट दिखेगा, उसके बाद स्ट्रेस दिखेगा, फिर आपको वर्कआउट्स दिखेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कआउट देखने को मिल जाते हैं, 12-14 वर्कआउट्स देखने को मिलते हैं, डेफिनेटली कमी नहीं है। एक फुटबॉल के वर्कआउट की कमी है, नहीं तो बाकी सारे ही वर्कआउट्स यहाँ देखने को मिले, क्रिकेट तक का वर्कआउट है। यहाँ पे अलेक्सा सपोर्ट है, सो बेसिकली आप अलेक्सा से काफ़ी सारे काम करवा सकते हो। खाली टैप करो और बोलो भाई सेट एन अलार्म फॉर 7 AM, सुबह आपका 7 AM का अलार्म लगा देगी। आपके घर में कोई TV है उसको कंट्रोल करना है जो अलेक्सा सपोर्ट करता है, उसको कंट्रोल कर सकते हो। कोई ट्यूबलाइट है जो अलेक्सा सपोर्ट करती है उसके साथ इसे कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप अलेक्सा के थ्रू कर सकते हो, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा एडिशन है। अगर आपके घर में थोड़े से स्मार्ट डिवाइसेज है ना तो डेफिनेटली आपको ये यूज़ करने मज़ा आएगा। यहाँ पे अलार्म वलाम है, ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली अलेक्सा को बोल के सेट कर सकते हो। मेन्यू में आपको अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइमर, फिर सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर आप रिस्ट रेजर, डू नॉट डिस्टर्ब, फ्लैशलाइट, वॉच फेसेस, ब्राइटनेस, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। बड्स की बात करो तो यहाँ पे आपको गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलता है। लेटेंसी अप्रॉक्सीमेटली 100-110 मिलीसेकंड्स के बीच में। मेरे लिए कैजुअल गेमर हो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव गेमर हो आपको डेफिनेटली इशू आ सकता है। अब बात कर लेते हैं ऐप सपोर्ट। नॉइज़ फिट का असिस्ट ऐप है, सबसे पहले आपको आपके स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे, दिन में कितना चले हो, डिस्टेंस मिल जाएगा, एक्टिविटीज़ कितना कैलोरी है, मीडियम हाई इंटेंसिटी वॉक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर ट्रेनिंग का डेटा जहाँ पे आप ऐप में वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे GPS ट्रैकिंग देखने को मिलती है। स्लीप ट्रैकिंग मैंने बताया बहुत एक्यूरेट है, हार्ट रेट, स्ट्रेस, SpO2 काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, सबके डेडिकेटेड सेंसर्स दिए गए। उसके बाद नीचे आपको ट्रेनिंग का अलग सेक्शन मिलता है जहाँ आप अलग से वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पे भाई बहुत सारे वर्कआउट दिए, इंडोर रनिंग, इंडोर वॉकिंग, आउटडोर रनिंग, आउटडोर वॉकिंग, हाइक पाइक, ये सब सारे बहुत सारे दे दिए गए। उसके बाद नीचे डिवाइस है, यहाँ पे आप डिवाइस की सेटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप वॉच फेसेस चाहो तो चेंज कर सकते हो, हेल्थ मॉनिटरिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो, बेसिकली 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, SpO2 लेगा, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे अलार्म क्लॉक, कॉल रिमाइंडर्स, अमेजॉन अलेक्सा, मैंने बताया यहाँ पे आपको एक्चुअली अपना अमेजॉन अकाउंट लॉगिन करना है, उसके बाद आपकी वॉच पर अलेक्सा चलना चालू होगा और आप कमांड्स पास कर सकते हो। अमेजॉन का अलेक्सा ऐप डाउनलोड किया और ज़्यादा कमांड्स दे सकते हो, ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। उसके बाद नोटिफिकेशन सेटिंग है, स्मार्ट सेटिंग है, डिवाइस सेटिंग्स है, ये सारी चीज़ें आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। उसके बाद बड्स के टच कंट्रोल्स, भाई यहाँ पे सब है, सिंगल टैप राइट पे किया वॉल्यूम अप, लेफ्ट पे किया वॉल्यूम डाउन, डबल टैप म्यूजिक प्ले पॉज, ट्रिपल टैप किया किसी पर भी गूगल एंड सीरी को एक्टिवेट कर देगा, एंड राइट पे होल्ड करके रखा नेक्स्ट म्यूजिक, लेफ्ट पे होल्ड करके रखा प्रीवियस म्यूजिक। अब बात कर लेते हैं IP रेटिंग, भाई दोनों में ही आपको IP रेटिंग देखने को मिलती है। बर्ड्स की बात करूँ IPX5 का रेटिंग मिलेगा, हल्की फुल्की बारिश नो प्रॉब्लम्स, जिम वर्कआउट जाओ कुछ नहीं होगा। वॉच इसको पहन के आप स्विमिंग कर सकते हो, 580 mm वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिल जाती है, मतलब स्विमिंग विमिंग कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरी बारिश, पूरी छूट बारिश
कोई टेंशन नहीं है वॉच को, कुछ नहीं होने वाला है। अब फाइनली आते हैं बैटरी लाइफ, बड से स्टार्ट किया जाए। सिंगल बड में कंपनी क्लेम कर रही है 4.5 घंटे, मेरा यूजेज 3.5-4 घंटे के बीच में है बड से। और अगर मैं केस के साथ बात करूँ तो कंपनी क्लेम कर रही है 18 घंटे, मेरा यूजेज अप्रॉक्सीमेटली 15-16 घंटे के आसपास। जो डिसेंट बैटरी लाइफ है मेरे हिसाब से आपका 1 से ज़्यादा दिन निकल जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं वॉच की। कंपनी ने क्लेम किया है 5 to 7 days ऑफ बैटरी लाइफ, बट मेरा यूजेज जहाँ पर वर्कआउट था, स्लीप ट्रैकिंग थी, 24 आवर हार्ट रेट चालू था, SPO2 यूज़ हो रहा था, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी 1-2 बार 3-4 बार यूज़ हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को पकड़ के मेरे हिसाब से मुझे अप्रॉक्सीमेटली 4 दिन का यूसेज यहाँ पे देखने को मिला है, जो फिर भी बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। अगर मैं बड्स की बात करूँ तो यह है 1500 रुपये के। वॉच की बात करूँ तो ये इनिशियली आपको 4000 रुपये में देखने को मिलेगी, बाद में जाके शायद 4500 के आसपास देखने को मिलेगी। पहले बड्स से स्टार्ट किया जाए, यहाँ पे अच्छा साउंड देखने को मिल रहा है बट बहुत ज़्यादा हाई बेस नहीं है। डिज़ाइन डेफिनेटली मस्त है, क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आया है, और जितना भी यूज़ किया अब तक 2-3 दिन के आसपास कुछ भी डैमेज केस के ऊपर नहीं दिखा है, जो चीज़ काफ़ी सही है। बट्स का फिट बहुत अच्छा है, कंफर्ट में मुझे कोई इशू नहीं हुआ, आराम से 3-4 घंटे मैं पहन के रख पा रहा था। हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी विद ब्लूटूथ 5.0, यहाँ पे आपको IP रेटिंग देखने मिलता है, सारे ही टच कंट्रोल मिलते हैं, बट गेमिंग मोड यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब बैटरी भी आपको डिसेंट देखने को मिलेगी, सो 1500 के हिसाब से डेफिनेटली काफ़ी अच्छा पैकेज है और आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और अगर वॉच की बात करें, 4000 की वॉच, यहाँ पे आपको कलरफिट प्रो 3 के एग्जैक्टली पूरे फीचर्स यहाँ उठा के दे दिए। यह कलरफिट प्रो 3, बट इसमें माइक नहीं है क्योंकि यहाँ पे अलेक्सा नहीं है। ये नई वाली असिस्ट में अलेक्सा है, इसलिए इसका नाम असिस्ट है, असिस्ट मतलब असिस्टेंट। यहाँ पे आप अलेक्सा से काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है बट डिस्प्ले का क्वालिटी बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन दिया गया है। डेफिनेटली यहाँ पे सारे ही सेंसर्स काम करते हैं, मतलब रियल में काम करते हैं। ऐसे हवा में पकड़ के रखा ना तो आपको नकली रीडिंग नहीं देंगे, हवा की सांसें नहीं बताएंगे और हार्ट रेट नहीं बताएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे सारी चीज़ें काम करती है इस वॉच में। मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम फीचर रिच वॉच है, यहाँ पे आपको सारी ही बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए सब कुछ देखने को मिल जाएगा, और आप डेफिनेटली 100% इसे कंसिडर कर सकते हो। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।